नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयंत नेगी। आशा करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, आज कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, काफ़ी काम की व्यस्तता थी दोस्तों और ऐसे में वीडियो अपलोड करना संभव नहीं था। वैसे भी मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं आज के दिन आपसे सिर्फ इंट्रैक्शन करूँगा और आज कोई नई वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा, कोई नवीन ज्ञान आपको नहीं दूंगा। तो दोस्तों आज का दिन है पूरा रिवाइज़ का, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। समय यही डिमांड करता है कि आपने जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से आपने बहुत पढ़ लिया है और अभी आप सिर्फ रिवाइज़ करें, फैक्चुअल टॉपिक्स की ओर को ध्यान दें, बेसिक्स की ओर को ध्यान दें, कोई नई टफ़ चीज़ ना पढ़ें। नई चीज़ अगर पढ़नी है तो सिंपल चीज़ पढ़ सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से तो इस समय पर नया कुछ भी ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करें। जैसे कि अगर आप टीचिंग पैडागोजी की बात करें तो आप RTE पढ़ सकते हैं, NCF पढ़ सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अलावा बुद्धि के क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी पढ़ सकते हैं, शिक्षण विधियाँ प्रविधियाँ पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट अधिगम के सिद्धांत पढ़ सकते हैं। इस पर हमने वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं, आसानी से बहुत जल्दी जल्दी आपका रिवाइज़ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ बेसिक और फैक्चुअल की ओर ध्यान देना है। इसी तरह से आपका जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी आपको सिर्फ अपने जिस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है आप उसी को पढ़िए और बेसिक पढ़िए। जैसे कि आपका अगर LT मैथ्स है तो आप मैथ्स को ज़्यादा वेटेज है तो आप सिर्फ मैथ्स पढ़िए, फिजिक्स को भी समय पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसको टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है उसको पढ़ें और बेसिक चीज़ों को पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर आप दोस्तों आपका बेसिक क्लियर है तो आप उस नॉलेज का यूज़ करके आप हायर लेवल की नॉलेज को सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उर्दू अधिगम अंतरण। तो यही दोस्तों आपका होता है, ये रियल में आपको अपनाने की चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान है, ये व्यवहार में भी अपनाने की आवश्यकता है। तो जिसकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होगी वो आसानी से इम्प्रोवाइजेशन करके हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय की, ठीक। इस समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें और फैक्चुअल टॉपिक्स को ही पढ़ें। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई भी टफ और एनालिटिकल टॉपिक नहीं पढ़ना है। इस समय पर आप काफ़ी टेंस होंगे, काफ़ी आपको चिंता हो रही होगी। देखिए, एग्ज़ाम के लिए चिंता होना एक सामान्य चिंता है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप ज़्यादा टेंस होंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, इससे हो सकता है कि आप गलती कर जाएं एग्ज़ाम में। हमें चिंता क्यों होती है? हमें चिंता इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि हम रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं, रिज़ल्ट क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल नहीं हो पाया तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप रिज़ल्ट के बारे में ना सोचिए, आप ये सोचिए कि मुझे 100% देना है, मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के संग वहाँ पर जाना और मुझे अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाना है। जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे उनको भी यही दोस्तों स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपको एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे आपको परफॉर्मेंस अपनी अच्छी देनी है। पिछले एक महीने में जो आपने परफॉर्मेंस दी, ऐसी परफॉर्मेंस आपको हमेशा आगे अपने एग्ज़ाम के लिए, मतलब ऐसे ही तैयारी आपको दोस्तों अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी करनी पड़ेगी, तभी जाके दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। अब क्या होगा कि काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम में सफल होंगे, काफ़ी असफल भी होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम में असफल होते हैं तो आप लाइफ में भी असफल होगे। आपको कई सारे मौके मिलेंगे, कई आपके सामने एग्ज़ाम आएंगे जहां पर आपको इस तरह से आप अपने आप को, जहां पर आपकी बार बार परीक्षा होगी। लेकिन जिसकी तैयारी लगातार होगी, जो कंटिन्यूस प्रिपरेशन करेगा, उसको ज़रूर डेफिनेटली सफलता मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपकी स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने प्रवेश पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ ले। काफ़ी बच्चों ने प्रवेश पत्र अपना नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, आपको दो कलर फोटोग्राफ लेके जानी है, आपको एक अपना आधार कार्ड लेके जाना है या कोई भी आपका ID कार्ड चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रवेश पत्र लेकर जाइए और इसके अलावा एक आपको हैंड सैनिटाइजर भी लेके जाना है, ये तो आपको लेके जाना है। इसके अलावा पानी की बोतल भी अपने संग लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपको पेन नहीं ले जाना, पेन आपको आयोग ही प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर जाइए। टाइम पर जाने का मतलब ये है कि आपका अगर 10 बजे का एग्ज़ाम है तो 9:30 बजे पहुँचिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह 8 बजे वहाँ पर पहुँच गए। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कई सारे लोग मिलेंगे, वो अपने थॉट्स बताएंगे, वो बताएंगे अरे तूने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ा, वो ये नहीं हुआ, तो इससे आप नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप अपने विचारों को दूसरों के संग शेयर ना करें। इस समय पर इंट्रोवर्ट्स बनना है, अंतर्मुखी बन जाइए, बस सारा ध्यान अपने ऊपर ही
रखना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। एग्ज़ाम सेंटर में जब भी आप एंटर करते हैं पानी लेके जाइए, पानी पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ओमार सीट भरते हैं, ओमार सीट को आपने कैसे भरना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी स्टेप होता है वही दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारी नींव अच्छी है तभी जाके हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने कई बच्चों के मैसेज पढ़े, उसमें उन्होंने लिखा था सर मेरा नाम में मिस्टेक हो गई, मेरे नाम की जगह पर मेरे फादर का नाम हो गया, मेरे फादर की जगह पर मेरा हो गया, ऐसा क्या। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं एग्जाम को। एग्जाम अगर आप जब देते हैं तो आप फॉर्म अपना खुद भरें और उसको स्टार्टिंग से बहुत ध्यानपूर्वक भरें। तो आपको यही करना है, यहाँ पर भी आपको कल यही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि जब आप दोस्तों फॉर्म भरेंगे तो ओमार सीट को बहुत ध्यान से भरना है। आपको देखना है कि भाई आपका रोल नंबर सही है, आपका नाम सही है, आपके सिग्नेचर सही होने चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा सेट का पेपर देने वाले हैं, ए बी सी डी। कई बार इसमें भी गलती हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो ओमार सीट है ये चेक होती है मशीनों के द्वारा, कोई ह्यूमन नहीं देखने वाला। कोई ह्यूमन आपका देखेगा कि भाई वो कहेगा कि अरे यार बेचारे ने सहानुभूति दिखाएगा कि चलो गलती हो गई तो चलो इसका हम एक काम करते हैं सही से चेक कर लेते हैं। नहीं, एक बार आपकी गलती हो गई तो मशीन में डाली जाएगी, मशीन उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। आपकी सीट माना डी है तो आपने वहाँ पर ए डाला होगा सीट में, तो आपको वो उसी हिसाब से क्या कर देगा, कैलकुलेट कर देगा आपके मार्क्स, ठीक है। तो सब गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको ओमार सीट को भरते हुए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप 5 मिनट अपने पेपर को पढ़ने में लगाएं। देखिए हम क्या करते हैं, पेपर खोलते हैं और स्टार्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत गलत होता है। 5 मिनट पहले पेपर को देखिए कैसा पेपर का लेवल है, आपको पता लग जाएगा। जब उसको 5 मिनट पढ़ेंगे, ध्यान से हर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा पेपर का लेवल कैसा है। अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से अगर पेपर को पीछे आपने देखा नहीं, स्टार्टिंग से आप लग गए तो उसमें होगा क्या कि अगर शुरुआत में अगर टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ए बी सी डी होता है तो क्वेश्चन क्या होते हैं एक सेट में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि आपको स्टार्टिंग में अगर टफ क्वेश्चन आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, आपको टफ होते चलेंगे, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आपको लगेगा भाई ये पेपर बहुत टफ है। हो सकता है कि पीछे बहुत इजी क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि टफ है स्टार्टिंग में तो आप उनको छोड़ दीजिए, आप उसको अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप पेपर को हमेशा 2 शिफ्ट में करिए। पहले शिफ्ट में आप क्या करिए कि उन क्वेश्चंस को करिए जो आपको पूरे आते हैं 100%, उन्हीं क्वेश्चंस को आपने करना है जिनमें आपको 100% आते हैं, तो आप उनको करिए और ध्यान से आप देखिए कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप उनको गिनिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे 60-70 तक मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो फिर आप सेकंड शिफ्ट में गेस मत करिएगा, तुक्के मत मारिएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, देन आप क्या करते हैं, गेस कर सकते हैं, आप तुक्के मार सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आपको अपने मार्क्स पहली शिफ्ट में देखना पड़ेगा कि आपके 100% में कितने आ रहे हैं, ठीक है। 100% में हो सकता है कि भाई आप 100 में से 50-60 स्कोर कर दें, 60 स्कोर अगर कर देते हैं, 70 स्कोर कर देते हैं तो दोस्तों इसके बाद आप तुक्के मत मारिएगा। अगर आप तुक्के मारेंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए और गलत होकर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवा दें। आप हो सकता है कि 70 मार्क्स आप ला रहे हैं तो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ रह जाएगा। हाँ, अगर आपके मान लेते हैं 100 में से अगर आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आप तुक्के मारिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 30-40 में तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हाँ, लेकिन आपके 60-70 में आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। 60-70 मार्क्स हमेशा बहुत होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका LT का पेपर है, ये भी कोई टिपिकल समूह ग का पेपर नहीं है जहाँ पर आपके सिर्फ आपसे GK या सामान्य ज्ञान पूछे जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपना सब्जेक्ट दे रहे हैं तो उसमें जो नॉलेज होती है वो विशिष्ट होती है, तो इसकी जो मेरिट भी जाएगी वो अपने आप में विशिष्ट होगी। तो कहने का मतलब है कि 60-65-70 मेरे हिसाब से तो बहुत हैं, खासकर जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइंस सब्जेक्ट हैं लाइक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में तो मेरे हिसाब से 60 भी बहुत ज़्यादा होंगे मार्क्स, ठीक है, जो लेके आएगा। अगर पिछले लेवल का पेपर आता है तो 60 मार्क्स भी इनफ होंगे उसके सिलेक्शन के लिए। इसी तरह से अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा कि भाई 10-15 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें मेरिट वेरी करेगी, ठीक है, यही होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप जब एक बार पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई पेपर का लेवल क्या होता है। अगर आप बिना पढ़े उसको देने लग जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि भाई पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही बिना देखे उसको लग जाएंगे। तो हमेशा पहले 5 मिनट पेपर को दें और उसी हिसाब से दोस्तों आप हमेशा अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये तो आपकी होनी चाहिए दोस्तों जब आप पेपर देते हैं उसकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। और आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी दोस्तों, मैंने बोला फैक्चुअल को पढ़ें और रिवाइज करते रहें, ठीक है। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों आखिर में देखिए, सबसे पहले ये सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम है, इसको सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लें। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि मैं इस एग्ज़ाम में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, डिसिप्लिन होकर इस एग्ज़ाम को दूंगा। जितनी आपने
पिछले एक महीने में मेहनत की, ऐसी मेहनत आपकी दोस्तों आगे भी रहनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। ऐसा ही एटीट्यूड आपके हर एग्ज़ाम को लेकर होना चाहिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए इस LT एग्ज़ाम के बाद काफ़ी बच्चे इसमें सफल होंगे, कुछ बच्चे असफल भी होंगे। सफलता का मतलब है कि आप इस LT एग्ज़ाम में सफल हुए हो, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर असफलता का मतलब है तो आप सिर्फ इस LT एग्ज़ाम में असफल हुए हो, जीवन में असफल नहीं होंगे, काफ़ी आपको मौके मिलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोला जाता है, अंतराल मापनी बोला जाता है। यहाँ पर परम शून्य नहीं होता है। अंतराल मापनी का मतलब ये है कि आप सिर्फ उस LT एग्ज़ाम में 100 में से जितने आपको सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए थे उतने नहीं लेकर आए। इसका मतलब कि ये नहीं कि आप अन्य एग्ज़ामों में नहीं ला पाएंगे, अन्य एग्ज़ाम में भी आप ला सकते हैं, बस आपको अपनी कमियों को सुधारना पड़ेगा, आप उनको ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमियाँ हो रही हैं। अभी कई बच्चे अनएक्सपीरियंस है, पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इवन जो आपके अनुभवी लोग हैं जो कई बार एग्ज़ाम को दे चुके हैं उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रहेगी कि आप सबसे पहले जब एग्ज़ाम दें तो बस उसके आउटकम्स के बारे में ना सोचें। सफलता असफलता तो चलती रहती है, एग्ज़ाम हमेशा पूरी अपनी मेहनत से दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से दीजिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो जिनको असफलता होगी तो डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई एग्ज़ाम आएंगे आपके पास, कई मौके आएंगे, आप अपना एफर्ट कभी भी कम मत करिएगा। अब दूसरी बात उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम में सफल होंगे और LT टीचर बनेंगे, दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप LT टीचर बन जाएं तो अपने कर्तव्य को ना भूलें। आपका कर्तव्य है छात्र हित, आप छात्र हित में ही हमेशा कार्य करना, क्योंकि हमेशा हम लोग जब एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर का जो ये टीचर का गुण है ये गायब हो जाता है, हम सिर्फ व्यवसायी रह जाते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपसे बहुत ज़्यादा नैतिकता की डिमांड की जाती है, हालांकि एक शिक्षक के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता, सैद्धांतिक रूप से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्या आप एक शिक्षक हैं तो आपको भी कमाने का हक है, आप ट्यूशन ले सकते हैं, आप कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन हमेशा छात्र हित में काम करें। आप छात्र हित में काम करें, छात्रों की समस्याओं का हमेशा निराकरण करें। किसी भी चीज़ में कमी कर सकते हैं लेकिन आप अपनी टीचिंग में कभी भी कोई कमी मत छोड़ेगा। आप इसके बाद दोस्तों प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, आप LT स्कूल में जाएंगे, आपको वहाँ पर ऐसे छात्र मिलेंगे दोस्तों जो कि गरीब तबके से आते हैं, वंचित वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको आपकी दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहीं आप किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाने वाले जहाँ पर पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, पैसे वाले बच्चे होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप गरीब लोगों से मिलोगे, गरीब बच्चों से मिलोगे, उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप ही दोस्तों उनका भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों के हित के बारे में सोचना, मतलब हमेशा उनके हित के बारे में सोचना, कभी भी उसके संग कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एक शिक्षक मत बनना, एक अच्छे शिक्षक बनना, आपको बच्चे हमेशा दुआ देंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको हमारी वीडियोज़ सारी पसंद आई होंगी और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आज का सजेशन भी आपको दोस्तों पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब भी हम उसको रिलीज़ करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, अच्छी खबर सुनाइएगा सभी के सभी, आई होप सभी लोग आप अच्छा करेंगे। तो गुड बाय।